निरावलम्बस्य ममावलम्बं विपाटताडेत् विपत्कदत्वं मदीय पापाचल पातु शंभुं प्रवर्तताम् वाचि सदैव बम बम बम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर भविष्यवाणी। आपके साथ मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। लाइफ में एक चीज का डर हर किसी को सताते हैं, वो है उसका भविष्य। और उसके लिए सबसे पहले इंसान का दिमाग जाता है उसके राशिफल पर, उसकी राशि में क्या लिखा है, पूरे दिन उसे क्या करना है, किस किस से मिलना है। ऐसे तमाम तरह के सवाल इंसान के मन में उकरते हैं। पर दोस्तों, आपको हताश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपकी दिनचर्या कैसी हो, आपके जीवन की बाधा कैसे दूर होंगी और आप अपने परिवार को कैसे खुश रखेंगे, इन सब के आपके राशिफल के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर राशिफल और फलादेश में क्या अंतर है। राशिफल वस्तुतः पुरातन ज्योतिष शास्त्र की वह विद्या है जिसके माध्यम से विभिन्न कालखंडों के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। जहां दैनिक राशिफल रोजमर्रा की घटनाओं को लेकर भविष्य कथन करता है, वहीं साप्ताहिक, मासिक तथा वार्षिक राशिफल में क्रमशः हफ्ते, महीने और साल के फलादेश किए जाते हैं। वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ व मीन के लिए यह सभी भविष्य कथन किए जाते हैं। ठीक इसी तरह 27 नक्षत्रों के लिए भी भविष्यवाणियां की जा सकती हैं। हर राशि के अपने अपने स्वभाव और गुण धर्म होते हैं, अतः प्रतिदिन ग्रहों की स्थिति के अनुसार उनसे जुड़े जातकों के जीवन में घटित होने वाली स्थितियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। यही कारण है कि हर राशि का राशिफल अलग अलग होता है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर दिए गए इस दैनिक राशिफल में हमने सटीक खगोलीय गणनाओं के आधार पर फलादेश लिखा है। इसी तरह साप्ताहिक राशिफल में हमने सूक्ष्मतम ज्योतिषीय गणनाओं का ध्यान रखा है। यदि बात मासिक राशिफल की करें तो यही कसौटी उस पर भी लागू होती है। वार्षिक राशिफल में हमारे विद्वान तथा अनुभवी ज्योतिषियों ने साल भर में होने वाली सभी ग्रहीय परिवर्तनों, गोचर और अनेक अन्य ब्रह्मांडीय गणनाओं के माध्यम से वर्ष के विभिन्न पहलुओं, मसलन स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन व प्रेम, धन धान्य और समृद्धि, परिवार एवं व्यवसाय तथा नौकरी पैसे जैसे सभी विषयों की पूरी विवेचना की है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि यह राशिफल आप राशि के अनुसार है या जन्म राशि के अनुसार है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरा मानना है कि दैनिक फलादेश को जन्म राशि के अनुसार देखना ही बेहतर है। अगर आपको जन्म राशि नहीं पता तो आप अपनी नाम राशि से भी भविष्य फल देख सकते हैं। पुराने समय में वैसे भी नाम राशि के हिसाब से ही रखे जाते थे। कई पंडितों का मानना है कि नाम राशि जन्म राशि के बराबर ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको यह भी जानना होगा कि यह राशिफल सूर्य राशि पर आधारित है या चंद्र राशि पर आधारित है। मेरे ज्योतिष के अनुसार फल कथन चंद्र राशि यानी कि मून साइन आधारित है। इस भविष्य कथन को सन साइन सूर्य राशि से पढ़ना सही नहीं होगा। भारतीय ज्योतिष में सर्वत्र चंद्र राशि को ही महत्व दिया गया है। अब आपके मन में एक सवाल यह भी होगा कि आखिर मेरी राशि क्या है और मैं आपकी अपनी राशि को कैसे जानूं? अगर आपको अपनी राशि नहीं पता या अपनी राशि जानना चाहते हैं तो आप अपना नाम और जन्म तारीख कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका जवाब आपको साथ साथ मिल जाएगा। बस आपके जन्म तारीख की जरूरत पड़ेगी। आप फोन करके अपना नक्षत्र, कुंडली, ग्रह स्थिति व दशा आदि बहुत कुछ जान सकते हैं। फोन नंबर आपके मोबाइल की स्क्रीन पर मौजूद है 9758755904। अब आपको बताते हैं आखिर दैनिक राशिफल की गणना कैसे की गई है। भारतीय ज्योतिष में वर्तमान ग्रह स्थिति को गोचर कहते हैं। आज का राशिफल गोचर आधारित होता है, यानी कि यह देखा जाता है कि आपकी राशि से वर्तमान ग्रह कहाँ स्थित है। आपकी राशि को लग्न मानकर उसमें गोचर के ग्रह रखकर जो कुंडली बनाते हैं उसको प्रश्न कुंडली कहते हैं। वह कुंडली फलादेश का मुख्य आधार है। इसके अलावा पंचांग के अवयव जैसे बार, नक्षत्र, योग और करण भी देखे जाते हैं। भविष्य फल लेखन में कुंडली के ग्रहों की स्थिति और दशा का आदि का भी इस्तेमाल नहीं होता है।
आपको अब ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या यह राशिफल बिल्कुल सही है। जैसा कि आप जानते हैं कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, फलादेश राशि के आधार पर लिखा गया होता है। पूरी दुनिया के अरबों लोगों के बारे में सिर्फ 12 राशियों से भविष्य कथन करने के कारण इसे सामान्य फल कथन ही माना जाना चाहिए। सटीक भविष्य फल के लिए किसी ज्योतिषी से अपनी पूरी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहिए। अब आपको कुछ उपायों के बारे में बता रहे हैं, जैसे नौकरी में प्रमोशन का उपाय। अब आपको बताते हैं कि इस हफ्ते का मुख्य विषय कि नौकरी में प्रमोशन कैसे हो, तो चलिए हम आपको बताते हैं नौकरी में प्रमोशन के उपाय। नौकरी में प्रमोशन के उपाय जानने वाले जातकों के लिए यह कार्यक्रम बेहद वरदान साबित होगा। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को हर साल पदोन्नति, वेतन वृद्धि का इंतजार रहता है और साल भर बेहतर प्रदर्शन और मेहनत करने पर प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट मिलने से नौकरी करने वाला व्यक्ति खुश होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जॉब कर रहे जातकों को उनकी मेहनत का अच्छा फल नहीं मिलता, लेकिन ये उपाय आपको नौकरी में वृद्धि जरूर लाएगा। पूरा ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समझिए। वैदिक ज्योतिष में दशम भाव कर्म का भाव होता है। इस भाव से हमें नौकरी और व्यवसाय का बोध होता है। इसके अलावा दशम भाव और दशम भाव का स्वामी सांसारिक जीवन में हमारे प्रदर्शन के बारे में सूचित करता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कई ग्रह दशम भाव के लिए लाभकारी होते हैं और सुफल देते हैं। इनमें सूर्य कार्य क्षेत्र में हमारे लक्ष्य और महत्वाकांक्षा का कारक होता है। मंगल ग्रह हमारी व्यवसायिक आकांक्षा की पूर्ति के लिए ऊर्जा प्रदान करता है और बेहतर प्रयासों के लिए प्रेरित करता है। वहीं बुध ग्रह बुद्धि और ज्ञान का कारक होता है, इसलिए बुध के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलती है। बृहस्पति यानी गुरु की कृपा से नौकरी और व्यवसाय में कई अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं, साथ ही करियर के क्षेत्र में बढ़ोतरी भी होती है। इसके अलावा शनि देव, जिन्हें कर्म का अधिकारी कहा जाता है व न्याय का देवता भी कहा जाता है, वे हर मनुष्य को उसके कर्म के आधार पर शुभ फल और दंड देते हैं। काल पुरुष राशि चक्र में शनि स्वयं दशम भाव के स्वामी हैं। इस वजह से शनिदेव को कर्म और कार्य क्षेत्र में मनुष्य को अनुशासन, समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए प्रेरित करते हैं। कुंडली में दशम भाव के स्वामी और दशम भाव के पीड़ित रहने से हमारी प्रोफेशनल लाइफ में परेशानियां आती हैं। जब कोई क्रूर ग्रह दशम भाव में स्थित रहकर अशुभ फल देता है तो इसके परिणाम स्वरूप नौकरी और व्यवसाय में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जॉब मिलने में देरी, नौकरी से निकाला जाना, पदोन्नति नहीं होना, जॉब को लेकर असंतुष्ट रहना और कैरियर में तमाम तरह की परेशानियां देखनी पड़ती हैं। जन्म कुंडली के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकता है। चलिए अब मैं आपको नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय बताता हूं। कुंडली में दशम भाव के स्वामी से संबंधित मंत्रों का जप कराना चाहिए। यदि जातक विभिन्न ग्रहों के दुष्प्रभाव से पीड़ित रहता है तो भी नौकरी में परेशानियां आती हैं और इसके निराकरण के लिए घर पर नवग्रह का हवन या मंदिर में नवग्रह अभिषेक करवाना चाहिए। इसके प्रभाव से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नवग्रह हवन व अभिषेक से राहु केतु के दोषों से भी मुक्ति मिलती है। सूर्योदय के समय सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। सूर्यदेव को जल में तांबे के बर्तन से लाल चंदन मिलाकर के जल देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। गायत्री मंत्र या सूर्य मंत्र का जप करें। ऐसा करने से व्यावसायिक जीवन में उन्नति होती है। सूर्य के प्रभाव से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा मनुष्य को जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है और इसके प्रभाव से आपको कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठ सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर चलने में मदद मिलेगी। शनिवार के दिन शनि मंदिर में तेल का दिया जलाने से भी नौकरी में आ रही परेशानियां दूर होती हैं और शनि मंत्र का जाप करने से शनि से संबंधित दुष्प्रभाव कम होते हैं। शनि देव की कृपा से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा से हमारी प्रोफेशनल लाइफ में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। वे लोग जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए व्यापार वृद्धि यंत्र एक वरदान है। इस यंत्र को अपने कार्यस्थल या ऑफिस में स्थापित करें।
इस यंत्र के सकारात्मक प्रभाव से धन लाभ, संतुष्टि व आर्थिक हानि का संकट दूर होता है। साथ ही बिजनेस में पार्टनरशिप, व्यवसाय के विस्तार में मदद मिलती है। इसके अलावा फेंग सुई के सिद्धांतों के अनुसार उत्तरी दिशा कैरियर से और प्रोफेशनल लाइफ में वृद्धि से संबंधित होती है। अतः इससे संबंधित उपाय करने से कार्य क्षेत्र में उन्नति होती है। उत्तर दिशा में जल नीला, काला और बैंगनी रंग का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में यदि उत्तर दिशा में पानी का कंटेनर, फुब्बारा, एक्वेरियम और विभिन्न रंगों की मछली व समुद्री जीव को रखना, साथ ही उत्तर दिशा में दीवार पर नीला या काला चित्र लगाना प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आगे क्या करें? शनि देव की आराधना करें, क्योंकि शनि देव हमारे कर्मों का फल देने वाले देव माने जाते हैं। ये न्यायकारी देवता हैं, इसलिए नौकरी में प्रमोशन पाने वाले जातकों को शनिवार के दिन शनि देव की पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उन्हें नौकरी में शीघ्र पदोन्नति प्राप्त होगी। शनि देव की आराधना करने की विधि, प्रत्येक शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इसके बाद सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद पूजा स्थल, घर या मंदिर पर पूजन के लिए विशेष प्रबंध करें। अब पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें, तिल तेल और छाया पात्र का दान करें, धतूरे की जड़ धारण करें, सात मुखी रुद्राक्ष को धारण करें और शनि मंत्र का जाप करें। शनि का तांत्रोक्त मंत्र जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ओम प्राम प्रीम प्रोम शा शनेश्चराय नमः, ये शनि का तंत्रोक्त मंत्र है। इसके अलावा ओम शम शनेश्चराय नमः का भी जप कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आगे अगले एपिसोड में कुछ नई चीज के साथ में आपके साथ आते हैं।